निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है इस हत्या के लिए। ऐसा तो नहीं था खाकी का खौफ, ऐसा बदरंग भी नहीं था इसका रंग, लेकिन न जाने क्या हो गया है, क्या आम लोगों में खाकी का खौफ उगाया है और इसी खौफ के साए में अपनी जिंदगी को भी खाक में मिला देते हैं पीड़ित। यही हुआ आगरा में भी, जहां दो सगे भाइयों ने पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने प्राण त्याग दिए। छोटे भाई की मौत की कहानी बड़े भाई की जुबानी सुनिए। लेकिन उससे भी शर्मनाक ये कि बाद में इस बड़े भाई ने भी मौत को ही गले लगा लिया, और उससे भी शर्मनाक ये कि ये पुलिस महकमे में होमगार्ड था। मेरे भाई का लड़का, मेरे भाई का साला, और वो लड़की भगा के ले गया वहाँ से, सादाबाद से, सादाबाद से लड़की भगा के ले गया। मैं ड्यूटी का था, चुनाव ड्यूटी में 14 अप्रैल को गया था, 2 जून को लौटा हूँ। उसके बाद में घर पर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। वहाँ आया तो 9 तारीख की रात को संजय सिंह को पुलिस ने उठा लिया, पुलिस को उठा लिया। उसके बाद में वहाँ ले गए, दो तीन दिन उन्होंने हवालात में रखा। कहाँ रखा? सादाबाद थाने की। दरअसल इस प्रकरण के बाद पुलिस ने छोटे भाई को 2 दिन हिरासत में रखा, टॉर्चर किया, पैसे भी ले लिए, लेकिन परेशान करना नहीं छोड़ा। बड़े भाई प्रमोद ने छोटे भाई संजय के लिए इंसाफ मांगा, लेकिन एक होमगार्ड की मदद ये पुलिस विभाग नहीं कर पाया, तो प्रमोद ने भी प्राण त्याग दिए। एक दिन में 2 भाई की मौत से गांव में दर्द और मातम पसर गया। आखिर ये कैसी पुलिस है? साइड नोट के क्रम में जनपद कमिश्नरेट आगरा के अंदर थाना भरन के अंदर एक FIR पंजीकृत हुई है, जो कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज जो हैं उनके विरुद्ध पंजीकृत हुई है। इससे पहले शनिवार को एक भाई के द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसके अंदर की स्थानीय लोगों के उसके ऊपर जो चौकी इंचार्ज था उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था, और कल जो है उनके भाई को जो आरोप लगाए गए थे पैसे के लेके, उसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और उनसे प्रमाणिक साक्ष्य मांगे जा रहे थे। और उनके द्वारा भी कल, जैसा मैंने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनके द्वारा भी कल सुसाइड कर लिया गया। तो पूर्व में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया था, उन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, FIR पंजीकृत हो गई है, और साथ ही साथ जो है इसकी एक विभागीय जाँच ऑर्डर कर दी गई है। DIG साहब ने एक्शन लेते हुए 2 सिपाहियों को निलंबित कर मुकदमे करा दिए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा तो नहीं था खाकी का इकबाल? वैसे भी ये पहला मामला नहीं है, पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत के आंकड़े भी शर्मसार करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले कानपुर में एक सब्जी वाले ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर वसूली और प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। कुछ दिनों पहले कानपुर में एक सब्जी वाले ने चौकी इंचार्ज और सिपाही से वसूली और सिपाही की वसूली और प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीते दिनों हरदोई में एक अधेड़ ने पुलिस प्रताड़ना से आत्महत्या कर ली। बीती फरवरी में फतेहपुर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने भी पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। बहरहाल जिन पर जनता के जान माल की जिम्मेदारी है, अगर उसी खाकी से आम जनता खौफ खाने लगे तो क्या हो? सवाल ये है कि क्या पुलिस महकमे में सुधार की जरूरत है? क्या बिना आराम और बिना छुट्टी के लगातार नौकरी पुलिसकर्मियों की मनोदशा भी आम जनता से ऐसे व्यवहार करने का कारण है? सवाल ये भी है कि अगर पुलिस प्रताड़ित और परेशान करे तो आखिर आम आदमी क्या करेगा?